ये है जनपद प्राथमिक शाला स्कूल बीजापुर, जहाँ पर शिक्षकों के हड़ताल की वजह से स्कूल बंद चल रहा है। कुछ बच्चे आए हैं और कुछ इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों का। यह है जनपद प्राथमिक शाला स्कूल बीजापुर, जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे टीचरों के भाव में कहीं भी आते जाते नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। जगह के स्कूलों में अटैच करके काम चलाया जा रहा है, परंतु टीचरों का अभाव, क्लास में बच्चे हल्ला करते हुए, बच्चे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई शिक्षक आए। अब देख सकते हैं बिल्कुल बच्चों का कंडीशन कैसा है, सब बच्चे और यहाँ पे इस बोर्ड की तरफ निहार रहे हैं कि कोई शिक्षक आए और यहाँ पर कुछ लिखे और पढ़ाए। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर बना हुआ है स्कूलों में, आप देख सकते हैं बिल्कुल कंडीशन कैसा बना हुआ है। हर स्कूल में वही हाल आप देख सकते हैं। यह भी स्कूल जहाँ बच्चे बिल्कुल बैठे हुए हैं, सब आकर बच्चे बैठे, परंतु यहाँ पर टीचर का अभाव। और टीचर आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिला सचिव श्री कैलाश राम टेके जी, कि किस प्रकार से और कौन सी ऐसी मांगे हैं और कौन सी ऐसी अड़चनें आ रही हैं जिसकी वजह से आज इन्होंने यह प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक दिवसीय शाला बहिष्कार का ऐलान किया है, बताएंगे भैया। हमारे जो साथी सहायक शिक्षक हैं जी, वे विगत 12, 13, 14 दिसंबर से जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जी। शासन प्रशासन द्वारा विगत 3 वर्षों से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है जी, और उनके समर्थन में हम वेतन विसंगति दूर करने के लिए हम लोग भी दिनांक 17 दिसंबर को शाला बहिष्कार कर उनका समर्थन करेंगे जी। अच्छा, जो शाला बहिष्कार में आप समर्थन करने जा रहे हैं, तो उसमें सर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जो वो सहायक शिक्षक लोगों ने अपना मांग को रखा है प्रशासन से। उसमें यह है कि उनके जो मांग है वो एक सम्मानजनक वेतन उनको मिलना चाहिए जी, और विगत कई वर्षों से इस मांग को लेकर वे आंदोलनरत हैं जी। इसके अलावा जो पदोन्नति है, क्रमोन्नति है जी, पुराना पेंशन है जी, अनुकंपा नियुक्ति दिवंगत पंचायत शिक्षकों की जी, ये सब मांगें भी जायज हैं, पर फिलहाल उनकी सबसे जो प्रथम मांग है वो वेतन विसंगति की है। अच्छा, तो सर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि पुराने पेंशन लागू जो आप लोग करवाना चाहते हैं, तो मतलब यह सरकार लागू नहीं कर रही है या फिर यह आप लोगों को घुमाया जा रहा है, ऐसा क्या बात है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जी दोनों के द्वारा ही वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS योजना लागू की गई है, न्यू पेंशन स्कीम, जो कि बाधार आधारित योजना है जी, जिसमें हमारे कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं तो उनको 2200-2300 रुपया मंथली मिल रहा है, जिससे घर चलाना तो आसान नहीं है और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं कह सकते इसे जी। और जो पुराना पेंशन है जिसमें आधा वेतन मिलता था जी, वो बुढ़ापे का सहारा था और उससे पूरा परिवार चलता था।